जम्मू एंड कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान, हमारी जो लॉन्ग समय से गवर्नमेंट के आगे डिमांड पैरामिलिट्री फोर्सेस रख सकी है, जो जम्मू कश्मीर के पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक्स सर्विस मैन जितने भी रिटायरी हैं, अभी हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर कमांडेंट डीआईजी आईजी एंड डीजी, इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो रिटायरी जितने भी हैं इनके आगे एक डिफ़िकल्टी पेश कर दिया है। जो मद्रा लिक्विड है कंटीन का जो मेशा मिलता आया है, आज से 1965 की जब से ये पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी हुई है तब से ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी आई। अभी ये जबकि ये ड्यूटी गवर्नमेंट बनी हुई है जेएंडके के अंदर बीजेपी की और सेंटर के बीच, हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जितनी भी सीएसजी कंटीन है वो सब बंद कर दिए हैं। आज पैरामिलिट्री फोर्सेस जीरो लैंड के पर खड़ी है और 24 घंटे वहाँ पर खड़ी है। जीरो लैंड पर अंधी हो, तूफान हो, सियाचिन ग्लेशियर में आईटीपीपी बीएसएफ जीरो लैंड पर बॉर्डर पर लड़ाई कर रही है। सबसे ज़्यादा काउंटर पार्ट जो है जो इंसर्जेंसी के बीच पैरामिलिट्री फोर्सेस की शहीदी होती है, ना तो उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को शहीद का दर्जा दिया जाता है, ना उनको कंटीन फैसिलिटी है, ना उनको कोई फैसिलिटी है, ना उनके बच्चों का भविष्य है। आज जो हमारे आईजी जम्मू डीआईजी डीजी बीएसएफ ने एक ऑनलाइन कंटीन कर दिया है, जो उनको ये पता नहीं है ऑनलाइन का मतलब क्या है। एक ऑनलाइन घर में सामान पहुँचाया जाता है, लेकिन जो हमारे हिल एरिया में बैठे हुए हैं पहाड़ी इलाके में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी बैठे हैं उनको आज तक कोई फैसिलिटी नहीं गवर्नमेंट ने दिया है। और आज भी उस जो पैरामिलिट्री की फैसिलिटी है उनसे वंचित बैठे हुए हैं, और जितनी भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की फैसिलिटी है वो सब काट दी है इस गवर्नमेंट ने। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारे डीजी बीएसएफ का और आईजी जम्मू का और डीआईजी जितने हैं और कमांडेंट हैं इनकी नेग्लिजेंसी के साथ आज पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो फैसिलिटी बंद हो रखी हैं। हम इनको चुनौती देते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने कमांडेंट परसेंट सर्विस कर रहे हैं, क्या डीआईजी है, क्या आईजी है, क्या डीजी है, अगर इसको ऑनलाइन को आपने वापस नहीं लिया, जो हमारे पहाड़ी लेके क्षेत्र में प्रचारी बैठे हुए हैं आगे भी पंचायत है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की हर एक फैसिलिटी से, आज आपने बिल्कुल इनकी बंद कर दिया है, ये बिल्कुल गलत है। और हम चुनौती देते हैं इस गवर्नमेंट को, आज आप हमारे 2004 के बाद इनकी जो पेंशन बंद की है, एक हमारा कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट आईजी तक उनकी पेंशन बंद की गई है, और ये क्यों ऐसा क्यों है, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का कमांडेंट तक पेंशन बंद है, सिपाही की बंद है, एक एमपी है जो पार्लियामेंट के अंदर 2 मिनट बोलता है साल में, उसको जो एमएलए की पेंशन उस पर लगाई जाती है, एमपी की पेंशन दी जाती है, वो कौन से देश की सेवा कर रहा है, एक देश को लूटता है दूसरा देश को बेचता है, और उनकी पेंशन 3-4 पेंशन लगाई गई हैं, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान बॉर्डर पर शहीदी पा रहे हैं, ना उनके बच्चों का भविष्य है, ना उनके किसी परिवार का भविष्य है, और किसी चीज़ का नहीं, और जो फैसिलिटी देते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। मैं प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, आप झूठे जुमले बंद कर दो। आपने सियाचिन ग्लेशियर में एक आईटीपीपी के दरबार में बोला था भाई मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को बन रख बंद पेंशन दे दिया, ऑल फैसिलिटी को फैसिलिटी डिफेंस की दिया है, लेकिन बिल्कुल नहीं, जो दी थी वो भी बंद कर दिया है। बड़ी शर्म की बात है, मैं शर्म करता हूँ इस गवर्नमेंट को जो आज इसने हमारी फैसिलिटियाँ बंद किया है। अगर इन्होंने ये नहीं बाल किया, डीजी बीएसएफ को हमारी वार्निंग है, हम आने वाले समय में मार्च में आम जम्मू में धरने पर बैठेंगे, जो हमारी जो सीएसडी कंटीन बंद किया है और लिक्विड बंद किया है डीजी ने ऑनलाइन किया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत किया है। जैसे आर्मी का चल रहा है डिफेंस फोर्सेस का, वैसे ही हमारा चलने दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी है। इन्होंने शुरू की सबसे ज़्यादा गदर पाया है आई जी बीएसएफ के और डीजी ने और डीआईजी ने और कमांडेंट ने गदर पा रखा है, और जो नीचे वालों की फैसिलिटियाँ बंद कर रहे हैं और अपने जो इनको घरों के अंदर सप्लाई जाती है सब जो कमीशन आते हैं सिर्फ हमारे जो रिटायरी हैं उनकी हर एक फैसिलिटी बंद कर दी है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी बात को हाईलाइट करो, आप ये जो सोशल मीडिया बैठी हुई है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारी बात पर पहुँचाओ, ये नेशनल मीडिया नहीं पहुँचा सकती, सिर्फ ये जो आप मीडिया है ये ही बुझाएगी हमारी बात। मैं मीडिया से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, हमारी बात को हाईलाइट करें, जो हमारे साथ न्याय हो रहा है इसको
आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? आज हमारा सब ये है कि जो हमारी फैसिलिटीज थी, लिकर फैक्ट्रीज, कैंटीन फैसिलिटीज, उनको हमने बताना था कि एक अनपढ़ आदमी जो गुटा छा बेचारा भर्ती हुआ था 1962 में, आज वो कैसे मोबाइल चलाएगा, कैसे ऑनलाइन लेगा। और ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप घर में सामान पहुँचाओ, हम वहाँ पेमेंट करेंगे। इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, इसका ऑनलाइन का मतलब है कि बंद कर दिया। जो अनपढ़ आदमी है वो नहीं ऑनलाइन कर सकता, ना वो जा सकता। मेरी डीजी से रिक्वेस्ट भी है, डीजी को चैलेंज भी है कि यदि ऑनलाइन नहीं खोलेंगे तो हम पूरा मिलिट्री फोर्स रिटायर्ड पर्सन BSF गेट पर स्ट्राइक करेंगे, वहाँ धरना देंगे, बैठेंगे, और इनकी हम कभी किसी फंक्शन में हम शामिल नहीं होंगे। हमारी एक अनुरोध है मीडिया के थ्रू कि हमारी 2004 में जिनकी पेंशन बंद की, उसका रीजन क्या है, क्यों बंद की गई? यदि वो 20 साल नौकरी करके आता तो रोड पर ईंट का पत्थर फोड़ेगा, या वो क्या करेगा, वो बच्चे कैसे पालेगा, मकान कैसे बनाएगा, बच्चों की शादी कैसे करेगा, जब आपने उसकी पेंशन ही बंद कर दी? तो मेरा अनुरोध है कि आप पुरानी बातों को बिल्कुल जायज करें, उनकी पेंशन खोलें, वर रहे कौन पेंशन दें, और हमारी